राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। सातवें चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का दावा किया है। राहुल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया और कहा कि मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतगणना के दिन पोलिंग बूथ पर आखिरी मिनट तक ईवीएम पर नजर बनाए रखे। राहुल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिबेट न करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कई बड़े विद्वानों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को मेरे साथ डिबेट करने के लिए कहा था, मगर वे डिबेट नहीं कर पाए। अब तो डिबेट पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मौन व्रत पर चले गए हैं। राहुल ने कहा है कि गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं, जो देश के संविधान और संस्थाओं को बचाने के लिए बिना झुके खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सफल रहे और प्रधानमंत्री के बार बार भटकाने के प्रयास के बावजूद किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों के लिए आवाज उठाई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।